हेलो एवरीवन, पिछले लेक्चर में हमने एक वॉल के डिटेल एस्टीमेशन के बारे में डिस्कशन किया था। उसमें हमने मेजरमेंट शीट के बारे में डिस्कशन किया था कि मेजरमेंट शीट कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। तो मेजरमेंट शीट में हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो हमारा वर्क होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम ऑफ वर्क जो होता है, उसमें हम अलग अलग आइटम्स के लिए क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन या प्लान में जो डायमेंशन दिया होगा उसके बेसिस पे हम क्वांटिटी क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो कल हमने डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट शीट प्रिपेयर किया था, तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो हम डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट शीट प्रिपेयर किए थे उसके बेसिस पे हर एक आइटम्स के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट कैलकुलेट करेंगे कि एक सिंगल वॉल को एस्टिमेट करने के लिए कितने अमाउंट्स की जरूरत पड़ती है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, ये हमारा फिगर था कल के क्वेश्चन में, ये हमारा प्लान था। प्लान में क्या था कि जो हमारी लेंथ थी वो 6 मीटर थी, जो विड्थ थी वो कितनी थी, 40 सेंटीमीटर, और जो हमारी फाउंडेशन की विड्थ थी वो कितनी थी, 30 सेंटीमीटर। और ये हमारा क्या था, क्रॉस सेक्शन, ये हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन है, जो हमारी क्रॉस सेक्शन था इसमें जो फाउंडेशन का बेस था उसकी विड्थ हमारी कितनी थी, 80 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी थी, 80 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद जो हमारा फर्स्ट फुटिंग था उसकी विड्थ कितनी थी, ये हमारी फर्स्ट फुटिंग थी, ये हमारा सेकेंड फुटिंग था। फर्स्ट फुटिंग की विड्थ कितनी थी, 60 सेंटीमीटर, ये हमारी विड्थ कितनी थी, 60 सेंटीमीटर। सेकेंड विड्थ की फुटिंग कितनी थी, 50 सेंटीमीटर। जो हमारा प्लिंथ एरिया था उसकी विड्थ कितनी थी, 40 सेंटीमीटर। और जो हमारा वॉल था उसकी विड्थ हमारी कितनी थी, 30 सेंटीमीटर। तो जो हमारा प्लान है उस प्लान में ये 40 हमारा क्या है, 40 सेंटीमीटर, जो हमारी प्लिंथ है उस प्लिंथ वॉल की जो हमारी विड्थ है वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद जो 30 सेंटीमीटर वो क्या है, जो हमारी वॉल की विड्थ है वो क्या है, 30 सेंटीमीटर। और ये हमारा जो प्लान है, मतलब कि जो हमारा प्लान जिसमें हम वॉल को एस्टिमेट करेंगे उसकी लेंथ कितनी थी, 6 मीटर थी। ये हमारा क्वेश्चन कल का था। अब इसके इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट शीट है उसको हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट क्या होगा कि एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, जो फाउंडेशन की विड्थ थी वो कितनी थी, 30 सेंटीमीटर। जो फर्स्ट फुटिंग की विड्थ थी वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। सेकेंड विड्थ की फुटिंग कितनी, विड्थ की फुटिंग थी 20 सेंटीमीटर। ग्राउंड लेवल से बिलो में जो हमारा प्लिंथ एरिया था उसकी विड्थ कितनी थी, 20 सेंटीमीटर। और जो हमारा ग्राउंड लेवल से एबव हमारा प्लिंथ तक जो हमारा प्लिंथ था उसकी विड्थ कितनी थी, 60 सेंटीमीटर। और जो हमारी वॉल थी उसकी हाइट कितनी थी, 3.5 मीटर। ये हमारा गोल का क्वेश्चन में क्रॉस सेक्शन और प्लान का डायमेंशन था। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट शीट को प्रिपेयर करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट शीट में हम क्या क्या प्रिपेयर करते हैं, जो हमारा कॉलम बनता है उसमें क्या होगा, एक तो पहला सीरियल नंबर होगा, सेकंड कॉलम जो होगा वो डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम ऑफ वर्क होगा, थर्ड कॉलम जो होगा क्वांटिटी, जो हम क्वांटिटी कैलकुलेट किए थे अलग अलग आइटम्स के लिए उस क्वांटिटी को हम क्वांटिटी वाले कॉलम में फिल करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा कॉलम क्या था, यूनिट ऑफ पेमेंट्स का, यूनिट ऑफ पेमेंट्स के बाद हमारा रेट, उसमें जो हम रेट डिसाइड करते हैं
जो भी हम मटेरियल यूज करेंगे उस मटेरियल का करंट टाइम में जो रेट होगा उसके हिसाब से हम रेट को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और हमारा नेक्स्ट कॉलम क्या होगा कि हम उसको किस यूनिट में मेजर करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि जो हमारा अर्थवर्क होता है उसका जो हम पेमेंट करते हैं 100 मीटर क्यूब के हिसाब से पेमेंट करते हैं, जो हमारा ब्रिक वर्क है उसको मीटर क्यूब के हिसाब से पेमेंट करते हैं। तो इस तरीके से हम जो नेक्स्ट कॉलम होगा उसमें हम क्या फिल करेंगे कि हमारा पेमेंट जो होगा वो किस रेट से हम पेमेंट करते हैं। और लास्ट कॉलम हमारा क्या होता है, अमाउंट का। अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद हम किसी भी आइटम्स की क्वांटिटी सॉरी अमाउंट्स के बारे में बता सकते हैं कि हमारा अमाउंट कितना है। तो चलिए सबसे पहले हमारा कॉलम क्या था, आइटम नंबर। सेकेंड कॉलम क्या था, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम ऑफ वर्क। डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम ऑफ वर्क। नेक्स्ट कॉलम क्या था हमारा, क्वांटिटी का होगा। नेक्स्ट हमारा कॉलम क्या होगा, यूनिट ऑफ पेमेंट का, यूनिट ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट कॉलम क्या होगा हमारा, रेट। रेट नेक्स्ट हमारा कॉलम क्या होगा, अमाउंट का। ये हमारा शीट क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। इस शीट को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट शीट या एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। इसमें हम क्या, एब्स्ट्रैक्ट शीट में हम जो हमारा अमाउंट होगा उसको हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आइटम्स क्या था, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर कोई वर्क हम कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अर्थवर्क का एक्सकेवेशन करते हैं। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम में हमारा क्या आएगा, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। सीरियल नंबर वन, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम ऑफ वर्क में हम क्या लिख सकते हैं, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, जो हम क्वांटिटी कैलकुलेट किए थे अर्थवर्क एक्सकेवेशन की, वो हमारी क्वांटिटी कितनी थी, 4.32। क्वांटिटी हमारी किसमें थी, ये मीटर क्यूब में। नेक्स्ट वर्क हमारा क्या था, लाइम कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन। लाइम कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन। लाइम कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन। नेक्स्ट हमारा फाउंडेशन के बाद क्या वर्क आता है, फुटिंग का। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क। फर्स्ट तीसरा कॉलम क्या होगा, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क। नेक्स्ट हमारा ब्रिक वर्क कंप्लीट करने के बाद, जब हम फाउंडेशन वर्क कंप्लीट कर लेंगे और जो हमारा फुटिंग का वर्क है उसको कंप्लीट करने के बाद हम क्या करते हैं, 2.5 सेंटीमीटर का जो जनरल स्पेसिफिकेशन था, जनरल स्पेसिफिकेशन में क्वेश्चन में क्या था, 2.5 सेंटीमीटर थिक का हम डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा जो डीपीसी था उसकी जो थिकनेस थी वो कितनी थी, 2.5 सेंटीमीटर, और जो हमारा रेशियो था मटेरियल का वो कितना था, 1:1.5:3 का।
तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा 2.5 सेंटीमीटर। फोर्थ हमारा वर्क क्या था 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट 1:1.5:3 का डीपीसी था। नेक्स्ट हमारा क्या था फिफ्थ कॉलम फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर वर्क कंप्लीट करने के बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम क्या था सीमेंट सॉरी प्लास्टरिंग का 12 mm प्लास्टरिंग। नेक्स्ट हमारा क्या था व्हाइट वॉशिंग और लास्ट कॉलम कलर वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग लास्ट क्या था कलर वॉशिंग। तो ये वर्क हम कल क्वेश्चन में इन सारे डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम ऑफ वर्क का क्वांटिटी हम पिछले लेक्चर में हमने इसकी क्वांटिटी को क्या किया था कैलकुलेट किया था। जो हमारा अर्थ वर्क था उसकी क्वांटिटी कितनी थी 4.32 मीटर क्यूब। जो हमारा फाउंडेशन का वर्क था उसकी क्वांटिटी कितनी थी 1.44 मीटर क्यूब। नेक्स्ट हमारा क्या था जो हमारा ब्रिक वर्क था फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन इसकी क्वांटिटी कितनी थी 3.24 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वांटिटी हमने क्या कैलकुलेट किया था डीपीसी 2.5 सेंटीमीटर की थिकनेस की डीपीसी हमने प्रोवाइड की थी। तो डीपीसी जब हमने कैलकुलेट किया था वो कितना था 2.4 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों क्योंकि हम डीपीसी को किसमें मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में करते थे। नेक्स्ट हमारा क्या था फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। तो इसकी जब हमने क्वांटिटी कैलकुलेट किया था तो उसकी क्वांटिटी कितनी थी 6.3 मीटर क्यूब। नेक्स्ट हमारा क्या था प्लास्टरिंग का था। जब हमने प्लास्टरिंग कैलकुलेट किया था तो प्लास्टरिंग की जो क्वांटिटी आई थी वो कितनी थी 46.2 मीटर स्क्वायर क्योंकि प्लास्टर को हम किस में मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारा कितना था 21 मीटर स्क्वायर और जो कलर वॉशिंग थी उसकी क्वांटिटी कितनी आई थी 24.6 मीटर स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यू हमने पिछले लेक्चर में कल के लेक्चर में जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने ये क्वांटिटी क्या किया था कैलकुलेट किया था। अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट क्या करना है कि जो हमारा वर्क हुआ है उसमें जो हम पेमेंट है वो किस हिसाब से हम पेमेंट करते हैं और उसका जो रेट है तो रेट हम कैसे डिसाइड करते हैं जो हमारा पीडब्ल्यूडी का शेड्यूल्ड रेट होता है उसके अकॉर्डिंग हम रेट को क्या करते हैं डिसाइड करते हैं। जो हम रेट डिसाइड करते हैं किसी भी मटेरियल का तो करंट टाइम में उस मटेरियल का क्या रेट है उसके बेसिस पे हम उसका रेट डिसाइड करते हैं। तो हमारा जो यूनिट होगा वो हमारा क्या होगा कि हम इसकी यूनिट किस में है मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। इसकी यूनिट को भी हम क्या करते हैं मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन की यूनिट को हम मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। डीपीसी की यूनिट को हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर उसकी यूनिट को हम किस में मेजर करते हैं मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। जो हमारा प्लास्टरिंग होता है उसकी यूनिट हम किस में मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में। व्हाइट वॉशिंग की यूनिट किस में मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में। कलर वॉशिंग की मीटर स्क्वायर में। ये हमारा पेमेंट होता है इस हिसाब से मीन्स कि अगर हम एक मीटर क्यूब का वर्क करेंगे अर्थवर्क के लिए
तो उसका पेमेंट किस रेट से होगा, जो हमारा करंट टाइम में रेट होगा उसके बेसिस में हम रेट इसमें क्या करते हैं, फिलअप करते हैं। और ये जो रेट हमें कहाँ से मिलता है, जो हमारा पीडब्ल्यूडी का शेड्यूल्ड रेट होता है उस रेट से हम इसको डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम उसके अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जो हमारा पेमेंट होगा वो किस हिसाब से हो रहा है और क्या रेट है उसके बेसिस पे हम फिलअप करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रेट होगा ये हम एजम्पशन मान के कैलकुलेट करते हैं, बट आप लोग जब भी कैलकुलेट करेंगे करंट टाइम में, सपोज दैट आपको किसी वॉल का इस्टीमेशन करना हो, तो उसमें जब आप इसमें रेट फिलअप करेंगे तो रेट आप कहाँ से डिसाइड करेंगे, जो हमारा पीडब्ल्यूडी का शेड्यूल्ड रेट होगा उस रेट से आप इसमें क्या करेंगे, फिलअप करेंगे, देन उसके बाद अमाउंट आप कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एज्यूम करके हम कैलकुलेट करते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जो रेट है अप्रोक्सीमेट रेट को एज्यूम करके फिर उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। तो जो हमारा अर्थ वर्क होता है इसमें हम सपोज दैट हम मान लेते हैं कि 350 रुपए है एक मीटर क्यूब का पेमेंट। तो नेक्स्ट हम लाइम कॉन्क्रीट के लिए क्या मान, 220 मान लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम 300, फिर 20, फिर नेक्स्ट 320, फिर नेक्स्ट 8.20, फिर नेक्स्ट 0.75, फिर नेक्स्ट हम 0.82। ये हम रेट एज्यूम कर लेते हैं कि इस रेट से हम क्या करते हैं, हर एक डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम के लिए पेमेंट करते हैं। मींस कि अगर एक मीटर क्यूब का हम वर्क करते हैं तो एक मीटर क्यूब का रेट हमारा पीडब्ल्यूडी शेड्यूल रेट से एज्यूम कर ले रहे हैं 350। फिर उसके बाद जब हम फाउंडेशन वर्क कर रहे हैं तो एक मीटर क्यूब का 220 रुपये। फिर फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन मीन्स की फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग और प्लिंथ लेवल तक का जो वर्क है उसके लिए पेमेंट हम 300 मान ले रहे हैं। फिर उसके बाद डीपीसी का पेमेंट हम 20 मीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर के लिए 320 मीटर क्यूब। फिर उसके बाद प्लास्टरिंग के लिए 8.20, वाइट वॉशिंग के लिए 0.75 और जो हमारा कलर वॉशिंग है उसके लिए हम पेमेंट 0.82 एज्यूम कर लिए। अब इस बेसिस पर हम क्या करेंगे, अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि अगर एक मीटर क्यूब का 350 रुपए है तो 4.32 मीटर क्यूब का कितना होगा, हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आगा तो उसको हम क्या करेंगे, अमाउंट वाले कॉलम में फिल कर देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4.32 × 350 1512। बट हमने पहले इसके, जब हमने यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में डिस्कशन किया था तो उसमें हमने डिस्कशन किया था कि जो हमारा अर्थ वर्क होता है उसका हम पेमेंट 100 मीटर क्यूब के हिसाब से पेमेंट करते हैं, 100 मीटर क्यूब के हिसाब से पेमेंट करते हैं। और ये हमारा पेमेंट किस हिसाब से आया, एक मीटर क्यूब के हिसाब से आया। तो जब 100 मीटर क्यूब के हिसाब से पेमेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1512 डिवाइडेड बाई 100, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो किस में आ जाएगी, एक मीटर क्यूब के हिसाब से। ठीक, फिर से हम इसको एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं कि जो हम इसमें पेमेंट लिखे हैं वो क्या है, एक मीटर क्यूब के हिसाब से 350 रुपए है। तो जब हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में डिस्कशन किए थे इसके पहले लेक्चर में, तो उसमें हमने ये डिस्कशन किया था कि जो हमारा पेमेंट होता है अर्थवर्क का उसका पेमेंट 100 मीटर क्यूब के हिसाब से पेमेंट करते हैं। तो जब हम 100 मीटर क्यूब के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद 350 × 4.32 जो वैल्यू आएगी उसमें हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो हमारी वैल्यू एक मीटर क्यूब के हिसाब से आ जाएगी। हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 15.12। ये हमारा क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा 100 मीटर क्यूब के हिसाब से। नेक्स्ट अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, लाइम कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन। इसके लिए हम क्या करेंगे, 220 × 1.44 हमारी वैल्यू कितनी है, 316.8। इसका पेमेंट हम मीटर क्यूब के हिसाब से ही करते हैं, जो हमारा लाइम कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन है, फाउंडेशन का जो हमारा पेमेंट होता है वो मीटर क्यूब के हिसाब से ही पेमेंट होता है। केवल अर्थ वर्क का पेमेंट हम 100 मीटर क्यूब के हिसाब से पेमेंट करेंगे, अदरवाइज बाकी वर्क में हम मीटर क्यूब के हिसाब से ही पेमेंट करेंगे। जो यूनिट होगी जिस तरीके से उसी यूनिट के हिसाब से हम उसका क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, 3.24 × 300 972।
इसको हम कॉलम में अमाउंट रुपए में लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, 2.4 मीटर स्क्वायर की डीपीसी हमारी थी क्वांटिटी, और एक मीटर स्क्वायर का पेमेंट कितना है 20। तो हम क्या करेंगे, 20 × 2.4 = 48 रुपये, ये हमारा क्या जाएगा 48 रुपये। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, इसकी क्वांटिटी कितनी थी 6.3 मीटर क्यूब, और पेमेंट हमारा 1 मीटर क्यूब का कितना है 320। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 320 × 6.3 = 2016 रुपये। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्लास्टरिंग के लिए 4.62 × 8.20 = 37.88। इसका पेमेंट हम 8.5 मान लेते हैं, 4.62 × 8.5 = 39.27। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारा वाइट वॉशिंग है उसका क्वांटिटी कितना था 21 × 0.75 ये कैलकुलेशन के बाद वैल्यू हमारी क्या आ गई, 46 है, 46.2 × 8.50 = 392.7। ये हमारा किसका वैल्यू था, प्लास्टरिंग का। अगर हम 12 mm की प्लास्टरिंग करते हैं तो हमारा क्वांटिटी कितना था 46.2 मीटर स्क्वायर × 8.50 करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 392.7। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, व्हाइट वॉशिंग की क्वांटिटी कितनी थी 21 × पेमेंट कितना है 0.75 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई 15.75। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कलर वॉशिंग की क्वांटिटी कितनी थी 24.6 × 0.82 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 20.17। ये हमारा अब हर एक आइटम्स के लिए अलग अलग अमाउंट हमें पता चल गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, सारे अमाउंट को ऐड करके टोटल अमाउंट हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना हमारा टोटल अमाउंट आएगा। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सारे अमाउंट्स को ऐड करते हैं। नेक्स्ट कितना है 15.12 + 316.8 + 972 + अब हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, सारे अमाउंट्स को कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू हमारी क्या आ रही है अमाउंट 48 + 2016 + 319.7 + 15.75 + 20.17 3796.5। ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट हमारा कितना आ गया 3796.54। ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया, टोटल हमारा कितना आया 3796.54। ये हमारा टोटल अमाउंट है। अब जब हम टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं कि टोटल अमाउंट का 3% जो होता है, 3 से 5%, अगर हम रेंज की बात करें तो 3 से 5% का हम कंटीजेंसी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। जो हमारा अमाउंट आएगा ऐड करने के बाद टोटल अमाउंट, इस टोटल अमाउंट का 3 से 5% के बीच में कंटीजेंसी चार्जेस कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम 3% अगर कंटीजेंसी चार्जेस कैलकुलेट करेंगे टोटल अमाउंट का तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी फॉर कंटीजेंसी चार्जेस, यहां हम क्या लिख सकते हैं, फिगर को हम रफ कर देते हैं एक मिनट।
ऐड फॉर कंटिंजेंसी चार्जेस, टोटल का 3% हम जब कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 113.90 ये हमारा 3% के हिसाब से कंटिंजेंसी चार्जेज हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें क्या ऐड करते हैं, जो वर्क चार्ज स्टेबलाइजमेंट होता है उसका हम चार्ज कैलकुलेट करते हैं, वो हमारा होता है 2%। वर्क चार्ज स्टेबलाइजमेंट मींस कि अगर हमें कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करना हो तो जब हम कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं तो किसी पर्पस से हमें कभी आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ एरिया जाना हो तो उसका हम उसमें क्या करते हैं, चार्ज ऐड करते हैं। वर्क चार्ज स्टेबलाइजमेंट तो उसके चार्ज हमारा जो रेंज होता है, अगर रेंज की बात करें वो 1.5 से 2% होता है। वर्क चार्ज स्टेबलाइजमेंट चार्ज हम कितना ऐड करते हैं, 1.5 से 2%। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, ऐड फॉर वर्क चार्ज स्टेबलाइजमेंट कितना मानेंगे, 2%। अब जब हम टोटल अमाउंट का 2% कैलकुलेट करेंगे वो कितना आएगा, टोटल हमारा अमाउंट कितना था, 3,719.654 × 2/100 75.93 रुपये। ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल 2% के हिसाब से वर्क चार्ज स्टेबलाइजमेंट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट तीनों अमाउंट को ऐड करके जो हमारा वॉल था उसका टोटल कॉस्ट हम बता सकते हैं कि कितना हमारी कॉस्ट उसमें आएगी। तो जब तीनों वैल्यू ऐड करेंगे हमारी क्या वैल्यू आएगी, 3,796.54 + 113.90 + 75.95 3,986.39। टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 3,796.54 + 113.90 + 75.95। तीनों को जब ऐड करेंगे हमारी वैल्यू क्या आ गई, 3,986.39 रुपये। ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा वर्क जो हमारा डिटेल एस्टिमेशन था एक वॉल का उसका टोटल अमाउंट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट। तो इस तरीके से हम किसी भी वॉल का एस्टिमेशन कर सकते हैं। अभी ये पर्टिकुलर एक वॉल के बारे में एस्टिमेशन था, इसके बाद हम लोग एक रूम के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर दो रूम के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद एक पूरा ओवरऑल प्लान जो होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जो हमारा डायमेंशन था प्लान का वो कितना था, 6 मीटर का हमें फाउंडेशन वर्क करना था। फिर उसके बाद 6 मीटर का फाउंडेशन वर्क करने के बाद जो हमारे क्रॉस सेक्शन था उस क्रॉस सेक्शन में जो हमारा फाउंडेशन का विड्थ था उसके हिसाब से ये टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आई है, टोटल कॉस्ट 3,986.39 रुपये। ये हमारा एक वॉल का एस्टिमेशन था हो गया दिए गए डायमेंशन के हिसाब से। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एक रूम होता है उसके बारे में हम उसका डिटेल एस्टिमेशन कैसे करते हैं डिस्कशन करेंगे। ये हमारा केवल एक वॉल के बारे में डिस्कशन था।